आज हम बात करने जा रहे हैं जिस प्लांट के बारे में, वो तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे कैप्सिकम के ऊपर। जो हमारी आज पूरी वीडियो जो होने वाली है वो है शिमला मिर्च के ऊपर, कि इसको किस तरह से हम सीड से ग्रो करें। कैप्सिकम कई तरह कलर के आते हैं, जिनमें ग्रीन है, रेड है, येल्लो है, ऑरेंज है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, जिसे दबा दें और साथ में ही दबा दें बेल आइकन, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को मनोज रूफ गार्डन के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे शिमला मिर्च के सीड्स। आप इन्हें चाहे तो दुकान से ही परचेज करके ला सकते हैं, या आप अगर बाजार से शिमला मिर्च खरीद के लाएं, उनके बीज निकाल के आप उन्हें भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी जो हमारे जिस सीड्स हैं, ये हमने भी अपनी शिमला मिर्च में से निकाले हैं घर पे ही, और इन्हीं को हम डालेंगे जर्मिनेट होने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनमें हमारे पास दो तरह के सीड्स हैं, जिनमें एक है हमारी येलो कैप्सिकम और दूसरी है हमारी रेड कैप्सिकम। तो इन्हीं दोनों का आज हम जो है नर्सरी तैयार करेंगे, और किस तरह से हम नर्सरी तैयार करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। ये हमने पॉट्स तैयार कर रखा है, जिसमें हमने मिलाई है 30% रेत, 50% मिट्टी और 20% हमारी काउडंग कंपोस्ट। तो दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें नर्सरी तैयार करनी है, इसलिए हमने कंपोस्ट थोड़ी कम डाली है, नहीं तो हमारी जो सीड्स हैं वो हो सकता है जल जाएं, इसलिए हमने थोड़ी कंपोस्ट कम डाली है। और ये देखिए, सीड्स को इस तरह से हमें छीट देना है, और ऐसा नहीं है कि आप इन्हें दूर दूर डालें, क्योंकि हमें बाद में इनके पौधे निकाल के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने ही हैं। इसलिए अगर सीड्स पास पास भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और इन पे हम एक लेयर और मिट्टी की चढ़ा देते हैं ऊपर से, ताकि ये सीड्स खुले ना रह जाएं। खुले रहने पे इन्हें कोई भी कीड़ा या गिलहरी या कोई चिड़िया भी ना निकाल के ले जा सकती है, इसलिए इस पे एक लेयर हम मिट्टी की लगा देते हैं, जिससे ये ढक जाते हैं और जर्मिनेट होने में आसानी होती है ने। और ये भी याद रखिएगा आप, कि आपके सीड जो ज्यादा गहराई में ना हो, तो इसलिए हल्की हल्की सी एक परत मिट्टी की ऊपर से लगानी है। और ये हम दूसरे अपने यहाँ पे लगाएंगे रेड कैप्सिकम के सीड्स। ये अपनी क्यारी में तैयार करेंगे हम, ये नर्सरी जो हमारी क्यारी है, हम इसी में ये नर्सरी तैयार कर रहे हैं एक छोटी सी जगह में। बाद में इन्हीं प्लांट को निकाल के हम इसी क्यारी में आगे ट्रांसप्लांट भी करेंगे। और ये देखिए, इसमें भी हम इस तरह से छीट देते हैं ये सीड्स। जैसा कि हमने आपको बताया था, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सीड्स दूर दूर करके लगाएं, और आप सीड्स को वैसे आप कोकोपीट के अंदर भी जर्मिनेट कर सकते हैं, प्रोट्रे के अंदर भी। वो बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी तरीका है। आप प्रोट्रे के अंदर कोकोपीट के साथ इन्हें लगाइए, और ये बहुत ही ईजी ग्रो होते हैं उसके अंदर। सोइल में थोड़ा टाइम लगता है इन्हें लगाने, उगने में, जर्मिनेट होने के लिए थोड़ा समय ले लेते हैं, लेकिन कोकोपीट में आपके बहुत जल्दी ग्रो होते हैं ये। तो अगर आपके पास कोकोपीट आप यूज कर सकते हैं, तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल करें, प्रो ट्रे के अंदर इन्हें जर्मिनेट करें। जो सीडलिंग करनी है वो भी आप प्रो ट्रे के अंदर ही करें। तो ये अभी तो हम मिट्टी के अंदर कर रहे हैं, तो आप चाहें तो मिट्टी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर भी खूब अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, आप सीडलिंग करिए, बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। अब ये देखिए, हम इनमें डाल देते हैं ऊपर से थोड़ा पानी, पानी हमें इस पर कल करके डालना है, सीधे पानी नहीं डालना है हमें सीधा। तो ये देखिए, जो भी हमारे सीड्स ऊपर आ जाएंगे, इन्हें वापस हमें नीचे दबा देना है, ताकि मिट्टी के नीचे रहें। जो देख रहे हैं आप, जैसे जो जो सीड्स नीचे ऊपर आए हुए हैं पानी के साथ, उन्हें हम नीचे दबा देंगे। तो इस चीज का आप भी ध्यान रखें कि कोई भी सीड्स बाहर ना हो, सारे सीड्स मिट्टी की परत के नीचे हो। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो भी हमारा व्यूअर नया हो हमारे चैनल पर, वो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
अब ये देखिए ये क्यारी है हमारी, जिस क्यारी में हमने अभी रेड कैप्सिकम के बीज लगाए थे, इसमें भी हम पानी स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और ये ध्यान रखना है कोई भी जो हमारे सीड्स हैं वो और बाहर ना रहे। और ये देखिए ये हमारे 10 दिन बाद की वीडियो है, जिसमें हमारे सीड्स देख सकते हैं जर्मिनेट हो गए हैं और देखिए कितने अच्छी तरह से निकल रहे हैं सीड्स। ये देखिए आप, और भी बहुत से सीड्स निकल रहे हैं आप, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप भी जो है अपना बाजार से शिमला मिर्च के खरीदिए और उसमें सीड्स निकाल के आप भी इसी तरह से उनकी सीडलिंग करिए, वो भी ग्रो हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे पौधे प्लांट बहुत छोटे हैं, ये अभी हमें इंतज़ार करना होगा इन्हें ट्रांसप्लांट करने के लिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए इनको कम से कम 2 से 3 इंच के होने चाहिए पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए। ये देखिए अभी और भी हमारे जो सीड्स हैं वो निकल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये देखिए आप, लगभग हमारे 80% सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत ही छोटे हैं, तो अभी इनका ट्रांसप्लांट नहीं होगा। लगभग 15 दिन बाद कि अब ये वीडियो है, आप देख सकते हैं ये 15 दिन हो चुके हैं हमारे पौधों को, अब ये ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लगभग 3 इंच के हमारे जो प्लांट्स हैं ये हो चुके हैं, तो अब इन्हें निकाल कर हम ट्रांसप्लांट करेंगे। और इनको किस तरह से ट्रांसप्लांट करना है तो ये देखिए, इसको हम खुरपे की सहायता से निकाल लेंगे ताकि इनके रूट्स को कोई नुकसान ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे पौधे जो हैं बाहर आ गए हैं, इसी तरह से इनको भी निकाल लिया है हमने, और भी ये प्लांट्स हैं हमारे। ये देखिए आप, एक बेबी प्लांट था हमारा, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं इनके रूट्स देखिए आप, और प्लांट देखिए कितने हेल्दी हैं, इसी तरह से ये भी देखिए आप इनके रूट्स देखिए। तो जो भी हमारा व्यूअर नया हो हमारे चैनल पर, हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके किस तरह से मैंने ट्रांसप्लांट करना है, किस तरह से हमने इन्हें सीडलिंग करी थी इनकी, तो सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए हमने इसमें पर 6 प्लांट्स निकाले हैं अपने, इन्हीं को हम ट्रांसप्लांट करेंगे अपनी इसी क्यारी में लगाएंगे हमने। तो इस छोटा सा हम इनको खुरपे की सहायता से गड्ढा कर लेंगे और उसमें इस प्लांट को लगा देंगे। इसको चारों तरफ से हम थोड़ी सी मिट्टी की सहायता से लगा के इसको टाइट कर देंगे। इसी तरह से हमें सारे प्लांटों को धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लगभग 1 फीट दूरी पर एक पौधे को लगाना है हमें, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो। जब दूरी रहेगी तो हमारे पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है, वो खुल के बढ़ सकेंगे। तो इसलिए कम से कम आप 10 से 12 इंच का फासला रखें एक पौधे के बीच में, तो इससे आपके पौधे हेल्दी भी रहेंगे और अच्छे से ग्रोइंग भी होंगे, उसकी बहुत अच्छी ग्रो होती है। फिर ये देख सकते हैं आप, ये हमारे 2 प्लांट तैयार हो चुके हैं लग के, अभी हम तीसरा प्लांट लगा रहे हैं। ये देखिए आप, चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी डाल के हम इसको फील कर देंगे। और ये हमारा तीसरा प्लांट, और ये हमारा चौथा प्लांट,
तो इस तरह से लगाते जाइए। ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ नर्सरी लगाई हो वहाँ पे आप प्लांट नहीं लगा सकते हैं, आप उसमें नर्सरी निकाल के अपना प्लांट वहाँ भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप भी शिमला मिर्च लाकर उसमें सीड्स निकाल कर इस तरह सीडलिंग करके पौधे बनाइए। इस समय आप पौधा लगा सकते हैं, शिमला मिर्च का पौधा आप भी लगाइए। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।